नमस्कार दोस्तों, पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ निमकी, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए देखिए, हमने इसमें देखिए 3 केले ले लिए थे, जिसको उसको अच्छे से छील कर मैश कर लिए हैं। और इसमें हम 50 ग्राम मैदा डाल दिए हैं। ये देखिए, केले इसमें हमने पहले से ही मैश कर लिए थे, उसके ऊपर से हमने मैदा डाल दिया है 50 ग्राम। अब इसमें और सामग्री डाल देते हैं। ये देखिए, मंगरेल है काली वाली, इसे डाल देते हैं। ये देखिए, नमक है आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक डाल दें। उसी चम्मच से 1 चम्मच चीनी डाल दें। और ये हम इसमें 2-3 चम्मच घी डाल देते हैं खस्ता के लिए। और फिर इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैश करेंगे, आटे को लगा लेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हम आटे को गूंथ रहे हैं। पहले पानी मत डालिएगा, पहले पूरा मिक्स कर लीजिएगा। अगर थोड़ा थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर से डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर इस आटे को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर इसे हम आगे का दिखाते हैं। इसको हम गूंथ लेते हैं। ये देखिए, हमने आटे को तैयार कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट बस रखेंगे, इसके बाद आगे का शुरू करेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट आटे को रेस्ट करके उसके बाद बनाएंगे आगे। थोड़ा सा इसको ढक के रख देते हैं। हमने रोटी से थोड़ी बड़ी लोई लेकर उसको बेल लिए हैं। अब इसको थोड़ा पतला ही बेलेंगे इसको। इसके बाद इस पर हम फोक की सहायता से ऐसे ऐसे इस पर कर देंगे, ताकि ये फूले ना इसको छानते समय। फोक से हम इसमें छेद कर देंगे ऐसे ऐसे, इस पे ऐसे ऐसे छेद कर दीजिए फोक से। और इसे पतला ही बेलेंगे। फिर इसे हम तिकोना काट लेंगे। देखिए, हमने इसमें फोक से पूरा कर दिया है। अब हम इसे चाकू की सहायता से ऐसे इसको काट लेते हैं। ये देखिए, इसे ऐसे तिकोना तिकोना निकाल देंगे ऐसे ऐसे, बिल्कुल तिकोना तिकोना। ये देखिए, हमने कढ़ाई रख दिया था, इसमें तेल डाल के, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ये देखिए तिकोना तिकोना हम जो काटे थे इसे डाल देते हैं एक एक करके। ऐसे ऐसे डाल देंगे। और इसे हम खस्ता ही तलेंगे, कुरकुरा ऐसे। देखिए, फोक से हमने इसमें छेद कर दिया था, इसी वजह से ये ऐसा देखिए फूलेगा नहीं ये। ये देखिए, और बहुत ही अच्छा नाश्ता ये है। इसे बनाकर देखिए एक बार। अभी हम इसे तल कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमने इसको तल लिया है और कितना प्यारा कलर देखिए इसका आ गया है। ये देखिए, अब हम इसे निकाल देते हैं और दूसरा डालते हैं फिर से। देखिए, हम ऐसे दूसरी बार भी डाल दिए। अब इसे मीडियम आंच पर ही इसको रखिएगा, ताकि अच्छे से ये कुरकुरा हो जाए। और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनता है ये। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। देखिए, सारे इसी तरह से कर बना लिया है निमकी को। और अब आप भी इसी तरह से बनाकर खाइएगा और बताइएगा कैसा बना है। इसमें 2 केला और 50 ग्राम आटा मैश करके इसको सान लीजिएगा, और पानी की ज़रूरत पड़े तब डालिएगा, और डो थोड़ा टाइट ही रखिएगा। और बनाकर एक बार खाइए। और मेरी रेसिपी ज़रा भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, इसको बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। और ज़रूर बनाइए और बताइए कैसी बनी है मेरी रेसिपी। नमस्कार दोस्तों।